ओमिक्रॉन इंडिया में आ चुका है। बहुत कुछ आजकल हम इस बारे में देख और सुन रहे हैं एंड वी आर ऑल वेरी मच कंसर्न अबाउट आवर लव्ड वंस। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा महाजन हूँ। आज हमारे साथ जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मधुर जैन हैं। आइए हम उनसे ओमिक्रॉन से रिलेटेड वो सवाल पूछते हैं जो आज शायद हम सबके मन में है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुर जैन हूँ। मैं कुछ उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आज शायद हम सबके मन में है। डॉक्टर मधुर, मेरा पहला सवाल ये है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कहां से आया है? तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को सबसे पहले 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्ट किया था। जी। 26 नवंबर को WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग हुई और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक कोरोना वेरिएंट डिक्लेयर कर दिया गया। जी। अब तक के कोविड पेंडेमिक एरा में ये पहली बार था जब रिपोर्टिंग के 48 आवर्स के अंदर ही ऐसा कर दिया गया, और ये रिजल्ट है उस लर्निंग कर्व और कोऑर्डिनेशन के जो पिछले लगभग 2 ईयर्स में ग्लोबली डेवलप हुए हैं। वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया है? सी, ओमिक्रॉन इज वेरी अनयूजुअल इन दैट इट इज बाय फार द मोस्ट हैवीली म्यूटेटेड वेरिएंट। जी। अपने आप को बढ़ाने और जीवित रखने के लिए वायरस रिप्लिकेट करते हैं जो कि हायर एनिमल्स में होने वाले प्रजनन या रिप्रोडक्शन का प्रतिरूप है। इस रिप्लिकेशन के दौरान कुछ एरर्स हो जाते हैं तो एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं बनती, इसको कॉपिंग एरर्स या म्यूटेशन कहते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट में कुल मिलाकर 50 म्यूटेशंस हैं जबकि डेल्टा वेरिएंट में केवल 9 म्यूटेशंस थे। इन 50 में से 32 म्यूटेशंस अकेले स्पाइक प्रोटीन्स पर हैं। स्पाइक प्रोटीन्स वायरस की सरफेस पर उभरे हुए नॉब्स की तरह होते हैं जिनसे कि वायरस ह्यूमन सेल्स से जाकर चिपकता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। जी। ओमिक्रॉन वेरिएंट में इतनी बड़ी संख्या में म्यूटेशन का मतलब या तो ये हो सकता है कि वे इम्यून सिस्टम से बचने में कामयाब हों या पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा समर्थ हों या फिर दोनों ही। ऐसी कोई भी संभावना डेफिनेटली चिंताजनक हो सकती है। डॉक्टर मधुर, ओमिक्रॉन वेरिएंट कहां कहां तक फैल चुका है? We are seeing increasing number of cases being detected on daily basis. इंडिया में और यहाँ तक कि दिल्ली NCR में भी ओमिक्रॉन के केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। जी। अब तक WHO के सभी 6 ग्लोबल रीजन्स के अराउंड 50 कंट्रीज में ओमिक्रॉन के केसेस मिल चुके हैं। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट्स की तुलना में कितनी कम या ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण है? तो देखिये, जब हम गंभीरता की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वायरस से संबंधित मेनली 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, ट्रांसमिशन, यानी कि वायरस एक व्यक्ति से दूसरे में कितनी तेजी से फैलता है, और नंबर 2, वायरुलेंस, यानी कि दूसरे व्यक्ति में एंटर करने के बाद वो वायरस कितना डैमेज उस व्यक्ति में करता है। और इन 2 फैक्टर्स के अलावा 3 एस्पेक्ट्स और भी हैं जो कि स्थिति की गंभीरता को निर्धारित कर सकते हैं। जी। नंबर 1, डायग्नोस्टिक्स, यानी कि क्या अभी अवेलेबल टेस्ट से हम ओमिक्रॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, थेरेप्यूटिक्स, यानी कि क्या अवेलेबल मेडिसिंस ओमिक्रॉन वेरिएंट पर इफेक्टिव होंगी। और नंबर 3, वैक्सीन एफिकेसी, यानी कि क्या अवेलेबल वैक्सीन्स ओमिक्रॉन के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगी। डॉक्टर मधुर, ओमिक्रॉन वेरिएंट कितनी तेजी से ट्रांसमिट हो रहा है? देखिए, 24 नवंबर को ओमिक्रॉन की रिपोर्टिंग हुई, 48 आवर्स के अंदर 26 नवंबर को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया, और 1 दिसंबर को 18 कंट्रीज में और 6 दिसंबर को 38 कंट्रीज में केसेस डिक्लेयर किए गए, और अभी लगभग 50 के आसपास कंट्रीज में केसेस मिल चुके हैं। जी। साउथ अफ्रीका में नंबर ऑफ केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, सो इट सजेस्ट दैट ओमिक्रॉन वेरिएंट हैज इंक्रीज transmissibility, but we need to understand that whether it is more or less transmissible compared to Delta variant, which caused third wave, is difficult to say as of now. Gee. And we should keep in mind that Delta variant is still the most prevalent variant worldwide.
डॉक्टर मधुर, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट से ज्यादा वायरलेंट है? तो देखिए, किसी भी नए वेरिएंट की वायरलेंस का पता लगाने के लिए कम से कम 3 to 4 weeks लगते हैं, तो एक्चुअल वायरलेंस तो समय के साथ ही पता लगेगी। साउथ अफ्रीका में जहां पर सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं, वहां पर माइल्ड से लेकर सीवियर केसेस तक देखे जा चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली अभी तक जो क्लस्टर ऑफ केसेस मिले हैं उनमें माइल्ड केसेस की संख्या कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्या करेंटली अवेलेबल टेस्ट से ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट किया जा सकता है? इसका जवाब है कि जी हाँ, अभी तक हुए रिसर्च से ये पता लगा है कि रैपिड डिटेक्शन टेस्ट यानी रैट और RT-PCR दोनों ही से ओमिक्रॉन वेरिएंट को स्क्रीन किया जा सकता है। और एक्चुअल वायरल वेरिएंट डिटेक्शन के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेस्ट की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, क्या करेंटली अवेलेबल मेडिसिंस ओमिक्रॉन वेरिएंट पर इफेक्टिव होंगी? देखिए, अभी तक कोविड का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है डिजीज सीवियरिटी पर, यानी कि डिजीज माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। माइल्ड डिजीज वो होती है जिनमें अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं और ऑक्सीजन की बॉडी में कोई कमी नहीं होती। मॉडरेट डिजीज वो होती है जिनमें अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और फीवर के साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल 94% तक ड्रॉप हो जाता है और लंग्स में थोड़ा निमोनिया का असर भी हो सकता है। सीवियर डिजीज वो होती है जिनमें ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होकर 94% से भी नीचे चला जाता है और लंग में निमोनिया का असर ज्यादा होता है। जी, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन अगर किसी को हाई रिस्क फीचर्स हैं, जैसे कि उसकी एज मोर देन 65 ईयर्स है, डायबिटीज, लीवर या किडनी डिजीजेज हैं, कैंसर है या रेडियो या कीमोथेरेपी चल रही है या स्टेरॉयड या कोई और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं या फिर सीवियर डिजीज है, तो उनमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीवायरल्स और स्टेरॉयड्स का जुडिशियसली यूज किया जाता है। जी, मोस्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पाइक प्रोटीन्स एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट स्पाइक प्रोटीन्स हैज गॉट मोर देन 30 म्यूटेशंस, सो वी स्टिल डोंट नो वेदर already existing treatment modalities will work effectively or not. Kya vaccines omicron infection se immunity deti hain? I'll say that there is still a lot of uncertainty, data is kept on coming and scientists are studying that. Abhi tak koi bhi data yeh suggest nahi karta hai ki vaccines kaam nahi karengi ya iski efficacy mein kuch kami hogi. Ji, abhi tak is baat ka koi bhi conclusive evidence nahi hai कि इम्यून प्रोटेक्शन इस हैवीली म्यूटेट वेरिएंट के साथ कैसे एक्ट करेगा। स्टिल वैक्सीन्स लगाना बेहतर है क्योंकि इसने आज तक आपको सेव किया है और शायद आगे भी करेगा। जी, विद ओमिक्रॉन रेजिंग कंसर्न्स अबाउट वैक्सीन एफिकेसी, ड्रग कंपनीज आर टेस्टिंग एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स एंड ऑल्सो ट्राइंग टू प्रिपेयर न्यू फार्मूलाज एंड आर वर्किंग टू क्विकली इन्वेस्टिगेट एंड अडेप्ट दीज वैक्सीन्स टू अ न्यू and highly mutated strains of the virus. Omicron variant के सामान्य लक्षण क्या हैं? देखिए, अभी तक की जानकारी बहुत ही शुरुआती है, लेकिन साउथ अफ्रीका के केसेस की रिपोर्ट से ये पता चला है कि लो ग्रेड फीवर, सोर थ्रोट और अन्य अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ साथ काफी सारा बॉडी एक भी बहुत से केसेस में देखे जा रहा है। जी, पूरी क्लिनिकल पिक्चर का पता लगने में देखिए 3 to 4 weeks तो लग ही जाएंगे। डॉक्टर मधुर, क्या मास्क और सैनिटाइजर ओमिक्रॉन के खिलाफ भी सुरक्षा करेंगे? सी, व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट एज एन इंडिविजुअल इज टू लोअर योर एक्सपोजर बाय फॉलोइंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि हम सब लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। जरूरत है तो बस उसे कंटिन्यू रखने की और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की। मेजर्स दैट हैव बीन प्रूवन बेनिफिशियल विल रिमेन मोस्ट बेनिफिशियल फॉर एवर एंड दीज आर नंबर 1 वेयरिंग ए मास्क, नंबर 2 यूजिंग प्रॉपर सैनिटाइजेशन, नंबर 3 फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड फाइनली गेटिंग योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस वैक्सीनेटेड। और एंड में मैं ये कहूँगा कि देखिए, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। हमें याद रखना होगा कि अक्टूबर 2020 में जब डेल्टा वेरियंट पहली बार रिपोर्ट किया गया था, तब हम में से किसी ने भी उस हैवॉक की कल्पना नहीं की थी जो हम सब 2021 की अप्रैल और मई में अनुभव कर चुके हैं। What really is important to know is that how can you keep yourself and your loved ones safe?
We cannot allow a situation where we all have gone through and the enormous losses we all have sustained. The advances we have made and the knowledge we have gained must not be lost. देखिए, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। हमें ये याद रखना होगा कि अक्टूबर 2020 में जब डेल्टा वेरिएंट पहली बार रिपोर्ट किया गया था, तब हम में से किसी ने भी उस हैवॉक की कल्पना भी नहीं की थी जो हम सब 2021 में अप्रैल और मई के मई में अनुभव कर चुके हैं। डॉक्टर मधुर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और इतनी सारी बहुमूल्य जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।